हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है। वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स आर परमानेंटली जॉइंट टुगेदर बाय कोलेसेंस विच इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड मेटलर्जिकल कंडीशंस। मतलब वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का वो प्रोसेस है जिसमें हम दो डिफरेंट या सिमिलर मटेरियल्स को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ते कैसे हैं? फ्यूज़न की हेल्प से। फ्यूज़न कैसे करते हैं हम? फ्यूज़न हम केवल टेम्परेचर की हेल्प से गेन कर सकते हैं, प्रेशर की हेल्प से गेन कर सकते हैं, या मेटलर्जिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के कॉम्बिनेशन से हम फ्यूज़न करा सकते हैं। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? जैसे कि दो अलग अलग पार्टिकल हैं, उनका कुछ फेज मेल्ट करा के उनको आपस में जोड़ देना, ये वेल्डिंग में फ्यूज़न होता है। अब हम इसमें देखते हैं टेम्परेचर की हेल्प से कैसे करा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम केवल टेम्परेचर का यूज़ करके फ्यूज़न को अटेन कर सकते हैं। प्रेशर का यूज़ कहाँ करते हैं? केवल प्रेशर का यूज़ हम केवल करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, जैसे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में, और हम दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कॉम्बिनेशन को वो ये यूज़ करते हैं हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं वेल्डिंग प्रोसेस के, कितने टाइप की होती है। सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इसमें हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं केवल मेटल को फ्यूज़ कराने के लिए। दूसरा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें कौन कौन सी वेल्डिंग्स आती हैं? फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग एंड एक्सेट्रा। थर्ड है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें हम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का यूज़ करते हैं मेटल को फ्यूज़ कराने के लिए। इसमें आती है हमारी स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग एंड एक्सेट्रा। और फोर्थ है ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग। वेल्डिंग के कुछ यूनिक प्रोसेस या स्पेशल केसेस भी होते हैं, जिसमें आता है हमारा थर्मिट वेल्डिंग, लेज़र बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब बात करते हैं वेल्डिंग को हम पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे ये दो वर्क पीस हैं, ये वन ये टू। अब इनको हमें मेल्ट करना है तो हम मतलब इनको जोड़ना है तो हम इसमें और दूसरा भी मटेरियल ऐड करेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड से हम मटेरियल ऐड करते हैं इसमें, तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, उनको नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। मशीनिंग प्रोसेस को नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारा मेन वर्क पीस है उसको उसमें से हम मटेरियल निकालते हैं किसी टूल की हेल्प से। अब इसमें मटेरियल कम हो जा रहा है, इसी वजह से इसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह हमारे ज़ीरो प्रोसेस भी होते हैं, जिसमें कास्टिंग और फॉर्मिंग आते हैं। इनमें ना तो हम मटेरियल ऐड करते हैं ना ही कुछ कोई मटेरियल निकालते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का मेन प्रिंसिपल होता है जब इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में हम आर्क जनरेट कराते हैं और इलेक्ट्रोड के अंदर जो मटेरियल होता है उसको मेल्ट करा के वर्क पीस के अंदर फिल कराते हैं, तो ये होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ऐसे ही वर्क पीस भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा और वर्क पीस नेगेटिव होगा तब वो हमारा रिवर्स पोलैरिटी कहलाएगी, रिवर्स पोलैरिटी डायरेक्ट करंट। एंड जब हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और वर्क पीस पॉजिटिव होगा तब वो कहलाएगा स्ट्रेट पोलैरिटी, मतलब स्ट्रेट पोलैरिटी डायरेक्ट करंट वेल्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी डायरेक्ट करंट वेल्डिंग के बारे में। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव होता है और वर्क पीस पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होके वर्क पीस पे स्ट्राइक करते हैं और वर्क पीस से हमारे पॉजिटिव आयन निकल के इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक करते हैं पॉजिटिव आयन। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है पॉजिटिव आयन से। तो इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हीट करता है वर्कपीस पे तब ऑलमोस्ट 70% हीट जनरेट करता है टोटल प्रोसेस की, एंड 30% हीट जो होती है इलेक्ट्रोड पे जनरेट होती है
क्योंकि जब पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्रेट पोलैरिटी हमारे काम आती है जब हमें डीप और नैरो जॉइंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें वर्कपीस पे ज़्यादा एनर्जी देनी है। इसलिए जब ऐसे जॉइंट्स की ज़रूरत होती है तब हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़। अब हम बात करते हैं रिवर्स पोलैरिटी डायरेक्ट करंट के बारे में। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होता है और वर्कपीस नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव आयन निकल के वर्कपीस पे हिट करते हैं, और क्योंकि पॉजिटिव आयन 30% हीट कंज्यूम करते हैं टोटल प्रोसेस के हीट का, और इलेक्ट्रॉन 70% हीट कंज्यूम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस बार इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा एनर्जी स्ट्राइक करती है, तो इस बार इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पर एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ये मेल्ट जल्दी जल्दी होके वर्क ये वेल्ड पूल में फिल करता है। तो इस वजह से, और इसमें RPDC का एक फ़ायदा और होता है, ये जो आर्क है इसमें आर्क बहुत स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि केवल 30% हीट ही आके वर्कपीस पे स्ट्राइक कर रही है, इसलिए इस 30% हीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से इसमें आर्क बहुत स्टेबल रहती है। RPDC के कुछ और फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। तो RPDC और SPDC में मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। SPDC RPDC, सबसे पहला तो डिफरेंस तो यही है जो अभी बताया मैंने। SPDC में लो डिपोजिशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोड, क्यों, क्योंकि इसमें SPDC में इलेक्ट्रोड पे कम हीट जा रही है, और RPDC में इलेक्ट्रोड पे बहुत ज़्यादा हीट जाती है, इसलिए इसमें हाई डिपोजिशन रेट होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है, SPDC में ऑक्साइड क्लीनिंग नहीं कर सकते हम, तो नो ऑक्साइड क्लीनिंग। ऑक्साइड क्लीनिंग अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। और RPDC में यस, ये क्लीनिंग होती है। कैसे होती है, जब ये मान लिया ऑक्साइड की लेयर बन गई यहाँ पे, रिएक्शन करके हमारा कोई मटेरियल है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, उसकी उसने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से और एक ऑक्साइड लेयर बना ली वेल्डिंग के ऊपर। तो अब ये क्लीनिंग कैसे होगी, क्योंकि इसमें RPDC में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये इसको ब्रेक करते हुए निकल जाते हैं ऑक्साइड लेयर को, जिस वजह से इसमें क्लीनिंग हो जाती है। SPDC में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें से पॉजिटिव आयन निकलते हैं SPDC के केस में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती नहीं है, जिस वजह से ये लेयर ब्रेक नहीं हो पाती और ये क्लीनिंग नहीं हो पाती है। ये तो बात हुई डायरेक्ट करंट की। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करें तब क्या हो, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे तो सबको पता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, मतलब एक साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू रहती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव वैल्यू रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हाफ़ साइकिल में हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी आएगी और दूसरे हाफ साइकिल में रिवर्स पोलैरिटी आएगी। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको हम यूज़ करते हैं AC को यूज़ करते हैं हम एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो हमें ऑक्साइड क्लीनिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एल्यूमिनियम को हम स्ट्रेट पोलैरिटी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो अगर स्ट्रेट पोलैरिटी से करेंगे हम तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, जिससे आपस में वो जुड़ नहीं पाएंगे दो मटेरियल अलग अलग। तो इस वजह से हम एक ऑल्टरनेटिव करंट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के केस में। इससे क्या होता है, हमारा ऑक्साइड क्लीनिंग भी होती रहती है और प्रॉपर हमें हीट भी मिलती रहती है, जितनी हमें RPDC से नहीं मिल सकती। अब हम बात करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इनमें कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ये ड्यूरिंग वेल्डिंग कंज्यूम होता है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। क्यों, इसमें इलेक्ट्रोड में फिलर मटेरियल भरा होता है, जो कि सेम वे हमारा मटेरियल का होता है जिसकी हमें वेल्डिंग करनी है, मतलब जो वर्कपीस का मटेरियल है उसकी उसी मटेरियल का हमारा इलेक्ट्रोड में
मटेरियल भरा होगा मेल्टिंग के लिए, तो ये ड्यूरिंग वेल्डिंग कंज्यूम होता है, जबकि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता, खुद कंज्यूम नहीं होता। इसमें फिलर मटेरियल के यूज़ के लिए हम बेयर वायर का यूज़ करते हैं अलग से, जैसे एक चरखी में धागा लपेटा होता है वैसा ही होता है इसमें, बस इसमें अलग से मेटल आता रहता है, वो मेल्ट होके वेल्ड पूल में गिरता रहता है। इसमें दूसरा डिफरेंस है, इसको हम यूज़ करते हैं मैनुअल वेल्डिंग में, मैनुअल वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, और ये वाला नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग में। इसमें तीसरा डिफरेंस है, ये होता है इसमें नॉन स्टेबल आर्क होती है, मतलब हमें अगर हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है तो हमें बार बार वो नीचे ले जाना पड़ेगा, तो हम अब ह्यूमन एरर करता ही है, तो हम बिल्कुल कांस्टेंट रेट से उसे नीचे नहीं ले जा पाते, कभी ज़्यादा नीचे ले जाते हैं कभी हल्के से ले जा पाते हैं, इसलिए हमारी आर्क जो होती है इसमें स्टेबल नहीं रहती, जबकि इसमें आर्क स्टेबल रहती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, तो हम एक जगह उसे फिक्स कर सकते हैं, बस हमें उसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना होता है, अप और डाउन मूव नहीं करना होता है, जिसकी वजह से इसमें आर्क हमारा स्टेबल रहता है। वेल्डिंग में कुछ मोड्स होते हैं मेटल ट्रांसफ़र के, कि इलेक्ट्रोड से किस बेस में मेटल वर्कपीस में आ रहा है, तो ये तीन टाइप से हो सकता है। पहला होता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर माने जैसे कि ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जो कि इनका शेप अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो कुछ यूं ऐसे ऐसे होता है, तो ये शेप के ग्लोब्यूलर शेप में मेटल फिल होता है इसमें। और नेक्स्ट है स्प्रे, अब इसमें बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में आता है और इसमें फिल होता है। और थर्ड वन है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में आपस में ये मिल जुड़ा रहता है, मतलब कहीं भी ये कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करते आपस में, इसमें इस तरीके से फिल होता है। ये क्या है? ग्लोब्यूलर। ये है स्प्रे फॉर्म एंड ये है शॉर्ट सर्किट। ये तो हो गया आपका मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड कोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रोड कोटिंग होती क्या है पहले तो ये बताएं। ये इलेक्ट्रोड है जैसे, अब इसके ऊपर जो ये तो हमारा है फिलर मटेरियल, जो कि सेम मटेरियल का होगा जिसका हमारा बेस मटेरियल है। इसके ऊपर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड कोटिंग होती है पाउडर, जैसे दिवाली में हम फुलझड़ी का यूज़ करते हैं, कुछ उसी तरीके से कैसे इसमें कोटिंग की गई होती है। अब ये कोटिंग क्यों करते हैं, इसका कुछ फ़ायदा बता देते हैं। तो एक तो ये जब मेटल मेल्ट होता है, सबसे पहले तो ये फिल करने के काम आता है, ये अंदर का फिलर मटेरियल जो मेल्ट होता है, यही दो अलग अलग मटेरियल्स को आपस में जोड़ता है, यही है फिलर मटेरियल, ये जो आके यहाँ जुड़ा हुआ है। ओके, ये तो हो गया मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बाद में इसकी ये जो कोटिंग है ये बर्न होती है, ये बाहर से बर्न होती जाती है और ये मेल्ट होके इसमें फिल होता जाता है। अब ये बर्न होती है तो एक सेकेंड, ये एक क्लाउड जैसा बना लेती है, जो कि बाहर की ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोकती है, ऑक्सीजन के रिएक्शन को रोकती है, जो क्योंकि अगर इसमें अगर हमारे रिएक्शन कर जाएगा तो इसमें पोरोसिटी आ जाएगी, मतलब बबल्स आ जाएंगे हमारे जो वेल्ड पूल बना है, तो हमारी वेल्डिंग बहुत वीक होगी इसमें, तो इस वजह से ये ऑक्सीडेशन को रोकती है हमारे मटेरियल को सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, और जिसकी वजह से हमारा स्टेबल आर्क भी बहुत स्टेबल रहता है, मतलब बिल्कुल सीधा जहाँ हमें चाहिए होता है उसी जगह पेनिट्रेट करता है। ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या होता है, जब हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तब यही जो मटेरियल है कोटिंग मटेरियल ये जम जाता है हमारा वेल्डिंग के ऊपर। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, ये रहा हमारा कोटिंग मटेरियल, इसे हम स्लैग भी कहते हैं।
स्लैग जब कहते हैं आफ्टर वेल्डिंग, जब वेल्डिंग हो चुकी है उसके बाद हम इसे स्लैग कहेंगे। स्लैग का क्या काम है, ये इसके कूलिंग रेट को हल्का कर देता है, क्योंकि ये बहुत हीटअप होता है जब इसको वेल्डिंग करते हैं। तो इसके ऊपर अब लेयर है एक स्लैग की, अब ये बहुत हल्के हल्के इसको कूल करता है। इसके अब स्लो कूलिंग रेट के फ़ायदे क्या हैं, स्लो कूलिंग रेट हमारा देता है डक्टाइल जॉइंट प्रोवाइड करता है हमें। अब कूलिंग रेट स्लो होगा तो हमें डक्टाइल जॉइंट मिलेगा, जिससे और हमें यही चाहिए होता है। अगर इसका कूलिंग रेट बहुत फास्ट होगा तो ब्रिटल जॉइंट मिलेगा, और ये कभी भी क्रैक कर सकता है, सडन फ्रैक्चर होगा इसमें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड कोटिंग मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। पहले आता है स्लैग फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट, जो मैंने बताया थर्ड में स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। स्लैग फॉर्मेशन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं एस्बेस्टस, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन मटेरियल हमारे स्लैग फॉर्मेशन के काम आते हैं। दूसरा है आर्क स्टेबलाइजिंग एजेंट, आर्क स्टेबल करने के लिए भी हम इसमें कोटिंग में यूज़ करते हैं। उसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड प्लस जिरकोनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, इसे हम रूटाइल भी कहते हैं आर्क स्टेबल करने के लिए। तीसरा होता है डीऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट्स, इसमें हम यूज़ करते हैं सेल्यूलोस या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। डीऑक्सीडाइजिंग का फ़ायदा क्या है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, ये इस काम आता है, ये ऑक्सीडाइजेशन को रोकता है, जिससे हमारा कि मॉइस्चर हमारे वेल्ड पूल में ना आ सके। और लास्ट वन है बाइंडिंग मटेरियल्स, इसके लिए हम ग्लू भी कह सकते हैं इनको, लेकिन ये वो ग्लू नहीं होते जो हम जनरली यूज़ करते हैं। बाइंडिंग मटेरियल्स में आते हैं सोडियम सिलिकेट या फिर पोटेशियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट तब यूज़ करते हैं जब हमें एसी यूज़ करनी होती है, और पोटेशियम सिलिकेट हम डीसी के केस में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं आर्क लेंथ के बारे में। आर्क लेंथ कम या ज़्यादा करने से क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, ये रही ये हुई आर्क लेंथ। इसको कम या ज़्यादा करने से हमारे क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं। फॉर गुड वेल्ड्स, अ शॉर्ट आर्क लेंथ इज नेसेसरी। मतलब जो अच्छी वेल्ड क्वालिटी के लिए हमारी आर्क लेंथ होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, जितनी कम आर्क लेंथ होगी उतनी हमारी वेल्ड क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब कैसे बताते हैं आपको, सबसे पहले तो इसमें हीट कंसंट्रेटेड रहती है, मतलब जितनी आर्क लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्पेटर होगा। जैसे कि अगर मान लिया ये आर्क लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हीट यहाँ भी जाएगी, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसमें अगर कम आर्क लेंथ हुई तो हीट कंसंट्रेटेड रहेगी, जो कि हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है।
मोर स्टेबल आर्क, मोर स्टेबल आर्क। शॉर्ट आर्क लेंथ का एक फ़ायदा यह है कि आर्क लेंथ और आर्क बहुत स्टेबल रहता है। जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतना ही अनस्टेबिलिटी आएगी जिसकी, और जितना स्टेबल आर्क होगी उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी हमारा अंदर तक। अगर हमें डीप जॉइंट चाहिए तो स्टेबल होनी चाहिए हमारी आर्क। थर्ड है मोर प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। मोर प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर ये कैसे मिलेगा? ये मान लीजिए अभी हमारा ये आर्क लेंथ बहुत शॉर्ट है, तो जितना भी हमारा स्लैग बर्न होगा यहाँ पे, जितनी भी कोटिंग बर्न होगी उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी बिल्कुल आसपास जॉइंट में, उस क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतने अच्छे से ये एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर पाएगा हमारे वेल्ड पूल को। और चौथा है स्लैग थिकनेस, जो लास्ट में वेल्डिंग के बाद स्लैग बनता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। थिकनेस मोर कैसे? अगर शॉर्ट लेंथ बिल्कुल पास में है तो सारा मटेरियल मेल्ट होके वहीं गिरेगा, यहीं बिल्कुल इसके आसपास ही गिरेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं छलकेगा। तो जितना ज़्यादा इधर गिरेगा उसकी थिकनेस, ये रही स्लैग, स्लैग की थिकनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी स्लैग की ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही हमारा कूलिंग रेट कम होगा। अब बात करते हैं आर्क ब्लो के बारे में। आर्क ब्लो होता क्या है? ये इलेक्ट्रोड है हमारा। अब हमें एक्चुअल में यहाँ वेल्डिंग करनी है इसके जस्ट नीचे, लेकिन आर्क ऐसे करके इस साइड आ गई, मतलब तिरछी हो गई, नीचे ना आके जस्ट इसके तिरछी हो गई, और इसकी स्पीड है इधर। तो ये फिनोमेना हमारा आर्क ब्लो कहलाता है। आर्क अपनी जगह से डेविएट हो गई। तो ये कैसे कैसे हो सकती है? ये तो उस केस में हो सकती है जब हम वेल्डिंग करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, इनमें एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ करंट फ्लो कर रही है, और करंट फ्लो करने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है जो कि इस आर्क को इसके वर्क पीस के एज की तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। अब ये इस साइड है, इस इधर पास में है, तो ये आर्क इस साइड डेविएट हो जाएगी। तो ये होता है वेल्डिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में, मैग्नेटिक मटेरियल्स। और दूसरा केस आर्क ब्लो का हम तब देख सकते हैं जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वेलोसिटी मान लिया, एक ये केस है, दो केस को हम कंपेयर करते हैं। ये आर्क है, ये रहा इलेक्ट्रोड। एक केस ये है, सेम केस एक और लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v डैश है। अगर v डैश बहुत ज़्यादा हुआ v से तो ये बहुत आराम से ब्लो करेगा, मतलब बहुत डेविएशन हो जाएगा अपनी डायरेक्शन से। तो एक ये केस भी हो सकता है, अगर हम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रख देते हैं तो हमारा आर्क ब्लो देखने को मिलता है। अब आर्क ब्लो को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फ़ायदे का सौदा तो है नहीं, क्योंकि हम जहाँ कंसंट्रेटेड चाह रहे हैं हमारा आर्क को वहाँ कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, ये अपना वेल्ड पूल के इधर उधर ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहा है, तो ये हमारा फ़ायदा नहीं करता है। तो इसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम आर्क लेंथ को रिड्यूस कर दें। ये जो आर्क लेंथ है इसको हम कम कर सकते हैं। इसको कम करेंगे तो इस पैटर्न के लिए इसको जगह कम मिलेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक चीज़ ये स्पैटर कर रही है
तो अगर इसके एक एक लेंथ इतनी है और एक मान लिया लेंथ इतनी है, तो इस लेंथ में कम स्पैटर है, ये सेंटर लाइन ले लेते हैं, तो इस लाइन में इस लेंथ के अकॉर्डिंग कम स्पैटर हुआ है पूरी आर्क का, जबकि इसमें टोटल इतना स्पैटर हुआ है। तो हम आर्क लेंथ कम कर करके आर्क ब्लो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा केस है, हम करंट को रिड्यूस, जो वेल्डिंग करंट है उसको ही रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो ये फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेल्डिंग करंट के। अगर वेल्डिंग करंट कम होगी तो फोर्स भी कम होगा, और फोर्स कम होगा तो हमारा आर्क ब्लो मिनिमम होगा। अब आते हैं आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर। अब आगे हम पूरा इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के बात करेंगे, और जितने ही फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं वो उस पर बात करेंगे। पहले तो आता है आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होता है, अगर हम मैनुअल वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल वेल्डिंग में कांस्टेंट करंट यूज़ करते हैं, मतलब करंट वेरी नहीं करते हैं, हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, ऐसी मशीन्स को हम कहते हैं ड्रूपर्स। और ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वेल्डिंग में हमारा कांस्टेंट क्या रहता है, वोल्टेज, इसमें हमारा करंट वेरी करता है। ओके, इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है, पावर, ये रहा इलेक्ट्रोड, ये आर्क वर्कपीस आर्क। अब ये जो है ये वी आर्क कहलाता है, आर्क वोल्टेज कहलाता है ये। ओके, इसमें आर्क वोल्टेज का सिंपली फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एल, ये आर्क लेंथ इतनी, ये रही लेंथ, इसको सिंपली एल से डिनोट करेंगे, ये है आर्क लेंथ। तो आर्क वोल्टेज और आर्क लेंथ के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होती है, इसमें ए एंड बी आर कांस्टेंट, एंड एल जो है क्या करता है, आर्क लेंथ को डिनोट करता है, आर्क लेंथ। अब इसमें वोल्टेज, और आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। इसमें हमारा एक फॉर्मूला ये होता है जिसमें वोल्टेज और करंट का यूज़ होता है, करंट वोल्टेज को वाई एक्सिस में, ओ सी वी एस सी सी। ओ सी वी क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब जब हमारा सर्किट ओपन है, आपस में कनेक्ट नहीं है, तब ओपन सर्किट वोल्टेज में, जब कनेक्ट ही नहीं है तो उसमें करंट ज़ीरो होगा, जैसे कि ग्राफ में दिखा रहे हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज के टाइम करंट हमारा ज़ीरो है। इसी तरह एस सी सी होता है शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब जब हमारा सर्किट शॉर्ट है, जब आपस में मिले हुए हैं तो ये आर्क वोल्टेज ज़ीरो होगा, जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट के टाइम में वोल्टेज हमारा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन की सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं हम इसमें, कैसे, वी अपॉन ओ सी वी प्लस आई अपॉन एस सी सी इज इक्वल टू वन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ज़्यादातर आर्क वेल्डिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फार्मूले पे पूछे जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है, इन अ डीसी आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द वोल्टेज आर्क लेंथ करेक्टरिस्टिक्स वाज ऑब्टेंड एज वी आर्क इज इक्वल टू, मैं डाटा लिख लेता हूँ सीधे, वी आर्क दिया है 20 प्लस 5 एल, वेयर द आर्क लेंथ एल वाज वेरीड बिटवीन 5 mm एंड 7 mm। आर्क लेंथ जो है, जो कि एल है हमारा, 5 से 7 के बीच वेरी कर रहा है। हेयर वी आर्क डोनेट्स द आर्क वोल्टेज इन वोल्ट्स, द आर्क करंट वॉज वेरीड फ्रॉम 400 एम्पियर टू
500 एम्पियर, जो करंट है वेरी कर रही है 400 एम्पियर से 500 एम्पियर के बीच में। अज्यूमिंग लीनियर पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया लीनियर पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक्स मतलब V इज इक्वल टू ए प्लस बी एल, जैसा कि ये दिया है उन्होंने। द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड द शॉर्ट सर्किट करंट फॉर द वेल्डिंग ऑपरेशन आर, इनने पूछा क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट क्या होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो आप अगर ग्राफ बना लेंगे तो बहुत आसान रहेगा, इसमें ग्राफ बना के करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। करंट वोल्टेज ग्राफ सेम ऐसे ही रहेगा, यह है ओ सी वी, यह है एस सी सी। अब इन्होंने क्या दिया है, लेंथ दी है 5 and 7, तो जब हम L इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमारा V आर्क आ जाएगा 45 volt। ओके, और अब एक बार लेंथ हम 7 रखेंगे 7 mm, तो V आर्क क्या आ जाएगा 55 volt। 55 volt लेट से यहाँ है, 45 लेट से यहाँ है, 55 ये है 45। अब 55 पे जो करंट है वो कम है और 45 के करस्पॉन्डिंग करंट ज़्यादा है, तो इसको हम देख सकते हैं करंट। अब करंट की रेंज हमें दी है 400 और 500 के बीच, तो जब हमारा वोल्टेज वी आर्क 45 है उसके करस्पॉन्डिंग करंट 45 के करस्पॉन्डिंग करंट ज़्यादा होगी, जो कि 500 एम्पियर है। तो I को हम लेंगे 500, और दूसरे केस में वोल्टेज 55 है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट कम होगी, कम वाली, तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट होगी 400 एम्पियर। ओके, अब हम इस कंडीशन को ऊपर इस इक्वेशन में हम अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन क्या रहेगी, फिफ्टी फाइव अपॉन ओ सी वी प्लस 400 अपॉन एस सी सी इज इक्वल टू 1, ये रही पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी, 45 अपॉन ओ सी वी प्लस 500 अपॉन एस सी सी इज इक्वल टू 1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ओ सी वी हमारा आ जाएगा 95 volt एंड शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगी 950 एम्पियर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम पावर एंड लेंथ रिलेशन पे। अभी तो हमने देखा था वोल्टेज एंड लेंथ रिलेशन, अब आते हैं पावर एंड लेंथ रिलेशन। इसमें क्या होता है, पावर और लेंथ का रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक, मींस पैराबोलिक। अब देखते हैं पावर एंड लेंथ रिलेशन को। जैसे कि हमने पहले देखा था वोल्टेज और लेंथ रिलेशन लीनियर होता है, पावर और लेंथ रिलेशन यहाँ पे पैराबोलिक होता है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वाई एक्सिस पे पावर लेते हैं, लेंथ लेते हैं, लेंथ क्या है आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये रहा पैराबोलिक ग्राफ। इसमें अगर हमें इसमें जनरली क्वेश्चन मिलता है हमें मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आर्क लेंथ क्या होगी इस तरीके के, तो हम इसमें मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डी पी बाई डी एल को ज़ीरो रख के एल की किसी वैल्यू को पुट करके मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं,
इसके रिलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये गेट का ये एग्जांपल है, इसमें दिया है द आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी आर्क इज गिवन बाय द इक्वेशन, वोल्टेज और लेंथ का रिलेशन दिया है 4L, वेयर V इज द वोल्टेज इन वोल्ट्स एंड L इज द आर्क लेंथ इन mm। द स्टैटिक वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर सोर्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद अ नो लोड वोल्टेज ऑफ 80 वोल्ट, नो लोड वोल्टेज दिया है 80 वोल्ट एंड अ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 600 एम्पियर। नो लोड वोल्टेज क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट भी दिया है जो कि है 600 एम्पियर। तो इन्होंने पूछा है डिटरमाइन द ऑप्टिमम आर्क लेंथ ऑफ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए फॉर पी मैक्स एल क्या होगा, मैक्सिमम पावर के लिए एल क्या होगा, ये इनका क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसमें रिलेशन, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन वन। अब इसमें हमें वोल्टेज एंड लेंथ का रिलेशन दिया है, अब हमें ऑप्टिमम लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हमें पहले ऑप्टिमम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्टिमम वोल्टेज निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डी पी बाय डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ दो वेरिएबल हैं, वोल्टेज भी वेरिएबल है, वोल्टेज भी मतलब लेंथ के साथ वेरी कर रहा है और करंट भी लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। तो इन दो वेरिएबल को हम एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, हम वोल्टेज और करंट वाला रिलेशन लगाएंगे, मतलब V अपॉन ओ सी वी प्लस I अपॉन एस सी सी इज इक्वल टू वन का रिलेशन लगाएंगे। अब इसमें ओ सी वी और एस सी सी हमें गिवन है, तो V अपॉन 80 प्लस I अपॉन 600 इज इक्वल टू वन। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पे हमारा जो रिलेशन मिलेगा I इज इक्वल टू 1200 माइनस 15 वी अपॉन 2। इसको हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में पुट करेंगे P इज इक्वल टू V, I की जगह हम क्या रख सकते हैं 1200 इंटू 15 V अपॉन 2। अब हम इसको डी पी वाई डी वी को ज़ीरो रख देंगे, इससे क्या मिलेगा जब डी पी वाई डी वी को ज़ीरो रखेंगे, पहले तो डी पी वाई डी वी निकालना पड़ेगा जो कि हमारा आएगा ट्वेल्व हंड्रेड माइनस 30 वी वाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो वी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 40, वी 40 मिलेगा। अब वी के करस्पॉन्डिंग हमें दिया था वी इज इक्वल टू 24 प्लस 4L, ये हमें वी मिल गया ऑप्टिमम, V ऑप्टिमम जिसमें हमारी पावर जो होगी मैक्सिमम होगी। अब इसमें V को हम 40 रख के 24 प्लस 4L हमें L ऑप्टिमम क्या मिल जाएगा 4mm। इस तरीके से हम इस टाइप के फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूटी साइकिल के बारे में, देखते हैं ड्यूटी साइकिल क्या होता है। ड्यूटी साइकिल, इसकी डेफिनेशन है ड्यूटी साइकिल डिफाइंस द नंबर ऑफ मिनट्स विद इन 10 मिनट्स पीरियड
ड्यूरिंग विच आर गिवन वेल्डर कैन safely produce a particular welding current. मतलब क्या है इसका, अगर हमारा 10 मिनट लग रहे हैं टोटल वेल्डिंग में, मतलब शुरू से लेके एंड तक, तो अगर हमारा ड्यूटी साइकिल, लेट अस फॉर एग्जांपल ड्यूटी साइकिल दिया है 30%, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 मिनट में हम 3 मिनट तक कंटिन्यूसली वेल्डिंग कर सकते हैं, उसके बाद हमें 7 मिनट का रेस्ट लेना ही पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है TA IA² = कॉन्स्टेंट, ये एक रिलेशन होता है। इसकी वजह से इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि एक में TA दिया है, IA दिया है, TA और IA क्या है, रेटेड ड्यूटी, TA है रेटेड ड्यूटी साइकिल, IA होगा रेटेड करंट, ये हमें पता होता है, हमने इसको रेट कर रखा है, मतलब ये हमने पहले से ही नाप रखा है तो हमें ये पता होगा। अब इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे कि एक और टाइम दिया होगा कि इतना टाइम हमें और वेल्डिंग करनी है, तो हम कितना करंट पास करें कि इतनी हम वेल्डिंग कर सकें इतने टाइम तक, तो हम वो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं TI², ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं। ये दोनों हमें पता होते हैं, ये दोनों होते हैं नोन, और अगर इनमें से करंट दिया है तो हमसे टाइम पूछ लेगा, अगर टाइम दिया है तो करंट पूछ लेगा, तो ड्यूटी साइकिल से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में लास्ट कॉन्सेप्ट है हीट इनपुट का। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये वेल्डिंग है, वेल्ड पूल है, वर्क पीस है, ये है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को हमें आगे भी मूव कराना पड़ेगा और ऊपर नीचे भी मूव कराना पड़ता है अगर ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो। ये वेलोसिटी है, इसे वेल्डिंग वेलोसिटी कहते हैं, इसकी यूनिट हम लेते हैं mm पर सेकंड में, और हीट इनपुट का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर होगी जूल पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट mm पर सेकंड, तो टोटल हीट इनपुट की यूनिट जो होती है वो जूल पर mm में होती है। अगर और नीचे अगर हमें नीचे फीड कराना है तो उसको ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ये है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, हमें ये गैप, इंटर इलेक्ट्रोड गैप, ये हमें मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड को नीचे की तरफ फीड देनी पड़ेगी जिसकी यूनिट भी होगी mm पर सेकंड में। अगर एक तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं जिसमें दिया होता है वेल्ड क्वालिटी रिमेन सेम, अगर ऐसा दिया है तो उसमें H1 = H2 रहता है, मतलब हीट इनपुट सेम रहता है, तो इसमें कैसे रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं P1V1 = P2Y। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में